ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिमला संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने विधानसभा क्षेत्र शिलाई में तूफानी दौरा कर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड के विधायक मुन्ना चौहान भी मौजूद रहे। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार के पिछले कार्यों को जनता के बीच रखा और उनके पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, अगर देश और प्रदेश का विकास करवाना चाहते हैं तो एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार को लाना है। शिमला संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने विधानसभा क्षेत्र शिलाई में तूफानी दौरा कर वोट मांगे। तूफानी दौरे में उत्तराखंड के विकास नगर विधायक मुन्ना चौहान व खाद्य आपूर्ति मंत्री बलदेव तोमर मौजूद रहे। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार के पिछले कार्यों पर जनता से वोट मांगे। सुरेश कश्यप ने अपने भाषण में कहा कि पिछले 5 सालों में एक भी भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया है। मोदी सरकार किसानों व देश को बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। किसानों के लिए कई योजनाएं सरकार द्वारा शुरू की गई है। अपने संबोधन के दौरान विकासनगर के विधायक मुन्ना चौहान ने कांग्रेस की नाकामियों के बारे में लोगों को अवगत भी करवाया। उन्होंने कहा कि मोदी लहर हमेशा हर जगह नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेसी नेता हैं कि मोदी लहर से यहां का कोई फायदा नहीं होने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से अपना परचम लहराएगी। पार्टी के साथियों से सिराई के अंदर बातचीत करना, उससे पहले मैं जाखना में चाय पीने के लिए सड़क पे उतरा। जाखना में तमाम सारे लोग मुझे इधर जानते हैं, इकट्ठे हो गए। उसमें बीजेपी के कम थे, कांग्रेस के ज्यादा थे। चाय पिलाने के लिए जो बैठने लगे वो भी कांग्रेस के मित्र थे। मेरे से जमाने से उनकी दुआ सलाम है। मैंने कहा, वो कहने लगे, मैंने उनसे पूछा इस चुनाव का माहौल क्या करता। कह रहे हैं साहब, और जगह तो मोदी का फैक्टर है, और जगह तो मोदी की वेव है। आज भोज में तो कांग्रेस रहेगी। मैंने कहा तुम देश से अलग हो कोई। नहीं, मैं मजाक की, हाँ मस्त बोल देश की थी, लेकिन 5 वर्ष के कार्यकाल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा और हमारा देश आज दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बना है। आज हम दुनिया के अंदर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करें, कभी 11वें नंबर पर थे, आज हम 5वें नंबर पर पहुंच रहे हैं। सुरेश कश्यप ने कहा कि पंचायतों में जाकर सभी लोगों का उन्हें भरपूर प्यार मिल रहा है और उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार चुनावों में लोग उनका सहयोग अवश्य करेंगे। उन्होंने कहा कि निवर्तमान सांसद वीरेंद्र कश्यप द्वारा जो कार्य अधूरे रह गए थे उन्हें वे जरूर पूरा करेंगे। इसके अलावा जो यहाँ के किसानों की समस्या है उसको जानकर वे उनका हल निकालने की भरपूर कोशिश भी करेंगे। और बहुत बेहतरीन कार्यक्रम हुए, टोटल जहाँ जहाँ भी हम गए वहाँ सभी बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का जो उत्साह है तो उसको देखकर निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी संसदीय क्षेत्र से इस बार जीत हासिल। निश्चित रूप से इस संसदीय क्षेत्र के लिए, चाहे किसानों की बात करें, बागवानों की बात करें, या बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि आने वाले समय में किए जाएंगे। इससे पूर्व भी जो हमारे सांसद हैं उन्होंने बहुत सारा करने का प्रयास किया। नेशनल हाईवे की बात करें तो 70 नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत होते हैं, 27 इस संसदीय क्षेत्र में जो है सरकार, केंद्र की सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। और आज तो जिस प्रकार से हमारा जो संकल्प पत्र जारी हुआ और उसमें किसानों के लिए सभी किसानों को किसान सम्मान निधि देने की बात की कही गई है, या 60 वर्ष पूरी कर चुके किसानों के लिए और जो छोटे व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, उनके लिए पेंशन की सुविधा, बहुत सारे ऐसे निर्णय जो है किसानों की बेहतरी के लिए इस देश में किए गए। और मैं जनता के आशीर्वाद से सांसद बनता हूं तो निश्चित रूप से किसानों के लिए बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास करता हूं।